शिवसेना पंजाब के सीनियर नेता बबला चोपड़ा ने सरहिंद में शिवसेना पंजाब के दफ्तर में मीटिंग बुलाई, जिसमें विशेष तौर पर टांडा से युवा प्रमुख उत्तर भारत मिक्की पंडित व पंजाब उप प्रधान राजीव बब्बर पटियाला से अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इस मीटिंग में चाइना द्वारा हिंदुस्तान आर्मी पर किए गए हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार तुरंत चाइना को ईंट का जवाब पत्थर से दे। शिवसेना पंजाब के सभी कार्यकर्ता भारतीय आर्मी के साथ देने के लिए तैयार हैं। राजीव बब्बर ने कहा कि भारत सरकार शहीदों के परिजनों को बिना किसी देरी से सरकारी सहायता का ऐलान करे। इस मौके मिक्की पंडित जी ने कहा कि चाइना के सम्मान का हम सभी भारतवासियों को बहिष्कार करना चाहिए। शिवसेना पंजाब के सीनियर नेता बबला चोपड़ा जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कैमरामैन आकाशदीप के साथ चंद्र नागपाल की विशेष रिपोर्ट। मैं जी मिक्की पंडित टांडे तो युवा उत्तर भारत प्रमुख शिवसेना पंजाब। अज साडी एक इत्थे विशेष मीटिंग रखी गई है बबला चोपड़ा जी वल्लों जो पार्टी दीआं गतिविधियां तेज करन लई नियुक्ति अभियान तेज करन दे लई अज साडी एक विशेष मीटिंग जिहड़ी बब्बर जी बबला जी ते साडी मीटिंग यूथ दी कीती गई। जय श्री राम जी। अज शिवसेना पंजाब दी बैठक सरहिंद शहर विच बबला चोपड़ा जी दे दफ्तर विच होई, जिस विच साढ़े नाल पंजाब दे उप प्रधान पटियाले तो बब्बर जी विच शामिल होए आ। अज जिहड़ा शिवसेना पंजाब की मीटिंग का मुख्य कारण जो कि साढ़े देश की आर्मी साढ़े देश के दे 20 जवान चाइना ने जो शहीद कर दते आ, असी अपने देश की आवाम में एक अपील करते हैं कि सानू सारयां दा फर्ज बनता है आप अपने शहीदों याद करिए उन्होंने श्रद्धांजलि दईए ते चीन के समान का बाईकाट करके अपने देश के शहीदों सच्ची श्रद्धांजलि। जय श्री राम जी। मैं पंजाब उप प्रधान शिवसेना पंजाब राजीव बब्बर, अज असी सरहिंद कट्ठे हुए हैं साढ़े सीनियर नेता शिवसेना पंजाब के बबला चोपड़ा जी के दफ्तर के मिक्की पंडित जी आए हैं साढ़े टांडे तो एक अज असी विशेष मीटिंग रखी है कि शिवसेना परिवार जिहड़ा हैगा इहदी बढ़ोतरी करन दे लई असी जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं विच शामिल करन लई लोकां दीआं गरीबां दी मदद करन लई असी उरे विचार कीते ने। बाकी असी अपने भारतीय सरकार तो मंग करदे हां कि जिहड़ा भी ये पाकिस्तान या चाइना वर्गे घुसपैठ देश हैगे ने इहनां ते नकेल पाई जावे बहुत जल्द। शिवसेना पंजाब अपने देश की आर्मी दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के लोहा लैण नूं तैयार है। जे साडे प्राइम मिनिस्टर जी सानूं ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਘਨੋਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਬਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬੀਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ 20 ਮੈਂਬਰ 20 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 22 ਦੀ ਵੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।
असी भारतीय सरकार तो मंग करते हैं कि जेडे भी जवान शहीद होए ने उन्होंने परिवार के जिन्हें भी कोई जरूरतमंद ने उन्हों जरूरत उन्होंने सरकारी नौकरी दी जाए जेड़े करोना के पीड़ित ने उन्होंने जो पैसे दिते जा सकते हैं 5 लाख 10 लाख या नौकरी दी जा सकती है तो यह तो साढ़े देश के जवान ने जिन्हों के सिर पर असी रात को आराम नींद सो लेने सोने आराम करते हैं बाहरले दुश्मनों तो सानू बचाते हैं उन्होंने परिवार के जिन्हें भी जरूरतमंद व्यक्ति ने उन्होंने हर तरह की जरूरत पूरी करने की जिम्मेवारी साड़ी भारतीय सरकार की बनती है उन्होंने सरकारी नौकरियां दित्तियां जान असी मंग करते हैं सरकार तो यह तुरंत ऐलान किया जाए बिना किसी देरी तो इस बारे मैं बबला चोपड़ा सीनियर नेता पंजाब मैं अज सरहद जो साड़ी मीटिंग हुई है जो साडे मुख मेहमान जो टांडा तो विक्की जी आए ने मैं इन्हों का स्वागत करदा और इधरों बब्बर साहब जो पटियाले तो आए ने जो कि साढ़े शिवसेना पंजाब के उप्रधान ने मैं इन्हों का भी स्वागत करदा बाकी जो मैं कहना चाहना जो साढ़े शहीद जो साढ़े जवान शहीद होए ने मैं उन्होंने वास्ते परमात्मा को दुआ करदा भी उन्होंने आत्मा को शांति दे उन्होंने परिवार को भाणा बख्शन का बल बख्शे।